सो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की डील्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कोई फ़ोन लेना या फिर कोई टीवी लेना, तो ये जो डील्स हैं आप लोगों को इस सेल के अंदर हेल्प कर सकती हैं। तो गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे कल से जो है सेल स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड गाइज़, हर रोज़ जो है अलग अलग ऑफर्स आ रहे हैं स्मार्टफोन्स पे, टीवीज़ पे और बहुत तरीके के लाइक क्लोथिंग्स पे भी आ रहे हैं, फुटवेयर्स पे भी आ रहे हैं। तो गाइज़, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐसी बेस्ट डील जिनमें से आप कोई अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और शायद उनमें से आप कोई ना कोई एक फ़ोन खरीद सकते हैं। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कवर करूँगा यहाँ पे फ्लिपकार्ट को, देन मैं जाऊँगा अमेजोन के ऊपर। तो गाइज़, यहाँ पे जो हम फ्लिपकार्ट खोल लेते हैं। गाइस, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है आपको पता है मोबाइल का जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड रहता है, फ्लिपकार्ट से बहुत लोग मोबाइल खरीदते हैं। एंड कहते हैं कि फ्लिपकार्ट जो रहता है बेस्ट रहता है जब वो मोबाइल मार्केट के अंदर आता है। तो गाइस, यहाँ पहले पेज पे हमारे को बड़ी सारी डील्स देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस, स्मार्टट्रॉन के फोन की तरफ से डील्स हैं, ओप्पो के फोन की तरफ से डील हैं जो कि पुराने फोन थे, और पावर बैंक्स की डील्स हैं, साथ ही साथ आपको टॉप ऑफर्स मिलते हैं। और जो बेसिकली गाइज़, यहाँ पे मैं फ़ोन बताना चाहता हूँ आप लोगों से और बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइज़, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो 10,000 रुपये से अगर आप मान के चलिए फ़ोन स्टार्ट करते हैं, अगर आपको कोई लेना 10,000 रुपये वाला, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑनर 9 लाइट। गाइज़, अपने आप में एक अच्छा स्मार्टफोन है। पीछे के साइड में आपको ग्लास वाला लुक देखने को मिलता है, जिस वजह से जो स्मार्टफोन है ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। और इस तरह से रोन 5 है, उसके अंदर आपको जो पूरी मेटल पर यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। तो ऑनर 9 लाइट जो है वो आ जाता है 9,000 रुपये का, और जो रेडमी नोट 5 है वो आ जाता है 11,000 रुपये का। तो गाइज़, आप इन दोनों स्मार्टफोन में से चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा फ़ोन लेना है। साथ ही साथ शॉमी का एक और फोन है, अगर आप लोगों का बजट बहुत ही ज़्यादा कम है 5,000 रुपये का है, तो रेडमी 5 ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये करने और आपके पास फोन फटाफट आ जाएगा। और सर गाइज, और भी स्मार्टफोन्स के ऊपर डील है जो कि मुझे लग रही थी अच्छी खासी। तो अगर आप लोग, हाँ एक और बात गाइज, यहाँ पे जो है सैमसंग जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक करने वाला है, मतलब कि वो आपको अपने पुराने फोन जो है जितने भी लाइक ON7 Pro, ON7 वो सब वो आपको बहुत ही सस्ते दामों में देगा ताकि आप उन्हें खरीद लें। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को बोलता हूँ सैमसंग के फोनों की डील बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर वो गलेक्सी S8 या S9 की होती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मिड रेंजर की होती है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बकवास है। क्योंकि गाइज, अभी आपको पता ही है सैमसंग ने कोई नया स्मार्टफोन निकाला नहीं है, और उसी के बदले में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में इस टाइम पर अवेलेबल हैं जो कि उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस और अच्छी लुक्स देते हैं। नन की इस बात को यहाँ पे आपको लाइक अगर आपका बजट आईफोन वाला है तो आपको पता है आईफोन जो है 6 आपको मिल जाएगा 32 GB 24,000 रुपीज़ का। तो गाइज़, ये पहले 26, 27, 28,000 रुपये का मिल रहा था और अभी 24,000 रुपये का मिल रहा है। कभी कभार गाइज़ और नीचे आ जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन अभी तो ये 23,999 का है। और उसी तरह से गाइज़, आपको मैं एक और फ़ोन बोलता हूँ जो नहीं लेना, वो है ऑनर का एक 9i। तो गाइज़, ऑनर का 9i बहुत बढ़िया फ़ोन था जब आया था, लेकिन अभी इस टाइम पर ये वर्थ नहीं है 15,000 रुपये का, मतलब 15 भी क्या 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये में क्या हम एसस का ज़ेनफोन मैक्स नहीं लेंगे, रेडमी नोट का नोट 5 नहीं लेंगे? तो गाइज प्रो, मतलब रेडमी नोट 5 प्रो, तो ये जो फ़ोन है उस हिसाब से बढ़िया नहीं है। साथ ही साथ ओप्पो का F3 Plus है जो कि आपको नहीं लेना। और मैं बात करता हूँ आपसे जो जो फ़ोन मेरे को लगते हैं कि ठीक ठाक रह सकते हैं आप लोगों के लिए। तो गाइज, यहाँ पे जो वीवो का V9 है वो आप लोग एक बार को ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक खामी है, वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं आपको उस फोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। और सर गाइज, नोकिया 5 जो आपको मिल जाता है 10,000 रुपये का, तो गाइज एक बार को आप ये वाला फोन जो सोच सकते हैं लेने का, नोकिया 5। लेकिन वही वाली बात आती है, इसके अंदर आपको जो नया डिस्प्ले नहीं मिलती जो कि 1809 वाली है। और साथ साथ गाइज, आपको ओप्पो एक और चीज़ में ट्रिक करेगा जो कि ओप्पो F5U। तो गाइज, ये वाला स्मार्टफोन ही मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर और वो सब मिलता है बहुत ही ज़्यादा कम, मैं बोलता हूँ कम स्पीड वाला है और वो सब है। तो ओप्पो F5U मत लीजिएगा, अगर आपके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रीजनेबल लग रहा है 10,990 रुपये, तो फिर भी मत लीजिएगा। और Mi Mix 2 गाइज, यहाँ पे अच्छा प्राइस के साथ हमें मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है इसके अंदर, साइज 6 GB की रैम है, और सिर्फ हमारे को मिल रहा है 26,000 रुपये का। तो गाइज, 26,000 रुपये के अंदर ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से एक वर्दी परचेज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है 1+5T वाले स्पेक्स मिल रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम प्राइस के अंदर जो फ्लैगशिप किलर वाले स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, लेकिन प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। 26,000 रुपये के अंदर आपको 835 मिल रहा है जो कि 2017 का टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर था। उधर से गाइज, और भी स्मार्टफोन पर डील है, लाइक Pixel 2 XL पे है और भी तरीके के। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे टीवीज़ के ऊपर जो डील्स चल रही है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको टीवीज़ के ऊपर डील बताया था फ्लिपकार्ट की। तो गाइज, यहाँ पे आपको व्यू का लाइक 49 इंचेस का फुल HD टीवी मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 25,999 का, मतलब 26,000 रुपये का। और गाइज, इसके साथ आपको जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अगर आप लोग HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं परचेज करने में इस चीज़ को, तो वो भी अच्छी बात है, 10% कैशबैक मिलता है। साथ गाइज, जो मैं बोलता हूँ पैनल है व्यू का है, तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहता है, और 50 इंचिस का लगभग मान के चलिए वो है, और फुल HD है, तो आपको जो व्यू एंगल्स और वो सब ठीक ही होंगे मेरे साथ इस टीवी के। और गाइज, और भी बहुत तरीके के आपको डील्स मिल जाती है टीवी के ऊपर गाइज, लेकिन मैं टीवी के ऊपर इन सारे डील्स पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी हमें करना है अमेजोन को कवर। तो गाइज, आप खोलते हैं अमेजोन एप्लीकेशन और अमेजोन पर चेक करते हैं क्या क्या डील्स हमारे लिए बेहतरीन है। मैंने खोल लिया है अमेजोन, और अमेजोन के ऊपर यहाँ पे हमारे को सबसे पहले देखने को मिल गया मोबाइल एंड एसेसरीज। तो गाइज, मोबाइल एंड एसेसरीज अभी खोल लेते हैं, समर सेल चल रही है।
और Honor 7X गाइस यहाँ पे परफेक्टली हमारे सामने आ गया, 4GB 32GB वाला 12,000 रुपये के अंदर। तो गाइस ये मैं कह सकता हूँ एक अच्छा परचेज हो सकता है, लेकिन गाइस वही वाली बात आती है, थोड़ा ओल्ड हो गया है तो उसी प्राइस के अंदर आपको अभी Asus का Zenfone Max Pro मिल जाता है, लेकिन वो है कि Asus का जो सेल लग रही है वो बहुत टाइम में लग रही है, तो अगर आप लोग जल्द से जल्द फोन खरीदना चाहते हैं तो Honor का 7X ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको Amazon के ऊपर भी ऐसे स्मार्टफोन मिलते हैं जो कि आपको ट्रिक करेंगे इन फोन खरीदने की, लेकिन गाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं करता है फोन बिल्कुल मत खरीदिएगा, जैसे कि LG का Q6 Gold 1800 डिस्प्ले के साथ है, लेकिन मेरे को ये फोन जो है इतना खास अपने आप में पसंद नहीं आता, प्लास्टिक काइंड ऑफ बॉडी है। और साथ ही गाइस यहाँ पे आपको Redmi 5 मिल जाता है जो कि एक वर्दी परचेज है, 7,499 रुपये के अंदर से आपको ये जो फ़ोन है 16GB वाला मॉडल देखने को मिलता है 2GB RAM के साथ, तो मैं कह सकता हूँ ये मॉडल जो है आप लोग खरीद सकते हैं और ये जो फ़ोन है सच में एक वर्दी परचेज हो सकता है। और सर सर कई और भी आपको फ़ोन मिलते हैं लाइक बिल्कुल ही बकवास तरीके से, जो कि Honor 8 Pro जिसका रेट रखा गया है 21,000 रुपये, यार कौन लेगा इसको। और सर सर सैमसंग का जैसे आपको लोगों को बता रहा था Amazon के ऊपर सेल जैसे आप देख सकते हैं, तो 5,990 रुपये में आपको On 5 Pro मिल जाता है, और साथ साथ जो On 7 Pro है 6,990 रुपये के अंदर। एंड गाइस यहाँ पे iPhone 6 हमें स्पेस ग्रे मिल रहा है जो कि 32GB वाला हमने फ्लिपकार्ट पे भी देखा था, वो 24,000 रुपये का मिल रहा है यहाँ पर आपको Amazon के ऊपर। तो गाइस दोनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिले लाइक फ्लिपकार्ट और Amazon के ऊपर, बहुत तक सेम ही लाइक मैं बोलता हूँ सेल चल रही है। और Samsung का On 7 Prime भी मौजूद है, साथ ही साथ आपको और भी स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो यार ऐसे जो फ़ोन है आप लोग इन सबसे बच के रहिएगा, डील्स यहाँ बिल्कुल वाइसली सिलेक्ट करिए, लाइक अगर आपको फ़ोन लेना तो आप उस लोग उससे देखिए कि लेटेस्ट स्मार्टफोन हो और सर जो स्पेसिफिकेशन हो लेटेस्ट ऑफर करे, क्योंकि ऐसे स्मार्टफोन भी हैं यहाँ पे जो आपको बिल्कुल बकवास फोन मिलते हैं लेकिन उनका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से आप उन्हें खरीद सकते हो बाय मिस्टेक। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, लाइक आपको लैपटॉप्स पे डील्स हैं, लैपटॉप्स जो हैं आपके 52,999 से स्टार्ट होते हैं लाइक 53,000 से, और ये सब गेमिंग लैपटॉप्स हैं। तो गाइस Asus का जो मैं बोलता हूँ अभी लैपटॉप स्टार्ट हो रहे हैं वो 52,999 से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आप Acer का नाइट्रो स्पिन लेते हैं जो कि एक और गेमिंग लैपटॉप है, सिर्फ और सिर्फ आपको 64,000 रुपीज़ का मिल जाता है, जो कि अपने आप में ही एक और बढ़िया डील है। तो गाइस इतनी सारी डील्स आप लोगों को मैंने बताई आज लैपटॉप्स एंड टीवीज एंड लोग इनमें से कौन सी डील सिलेक्ट करेंगे अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर को, अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं इन सब में से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोई सी भी जानकारी कुछ चाहिए आपको किसी भी डील के ऊपर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार कर दो, हम ऐसी वीडियोज हर रोज लेके आते रहते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं ऐसी किसी वीडियो के अंदर, टिल द टाइम रेस्ट।